6 अगस्त 2023 का दिन और आज विश्व प्रकृति बचाओ दिवस के उपलक्ष्य में आज देखिए आज रायपुर के नगर निगम से पूरा टाउन हॉल से रैली निकाली जा रही है और प्रकृति बचाने का जो संदेश है वो दिया जा रहा है। और साथ में पालीवाल साहब जी बताइए किस प्रकार से जागरूकता करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। हम सारे मसले को कि किस तरह से दुनिया का कॉरपोरेट घराने जो हैं वो पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए, प्रकृति को बर्बाद करने के लिए, मानवता को बर्बाद करने के लिए जो कोशिश कर रही है देशी सरकारों के माध्यम से, उसके विरुद्ध सारे विश्व के नागरिक आवाज़ उठा रहे हैं और उस आवाज़ में हम भी अपनी आवाज़ मिला रहे हैं। और आज का दिन जो हिरोशिमा दिवस है जिसमें मानवता का संहार कर दिया था अमरीका ने अपनी दादागिरी जमाने के लिए, उसको लेकर के याद में आज ये दिवस मना रहे हैं और ये रैली जो है यहाँ से तरफ जाए। इस पूरी रैली में युवा पीढ़ी की भागीदारी नहीं, क्या वो समझ नहीं पाए, क्या आपको लगता है? युवा पीढ़ी भी उतना अप्रोच हमने उन तक किया नहीं है, परंतु अगली बार जो भी प्रोग्राम होंगे उसमें और भी लोग आएंगे, अगर बुजुर्ग लोग और सारे लोग आएंगे। आपको क्यों लग रहा है ये खतरा है? ये खतरा तो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है पृथ्वी का, इसी तरह ग्लेशियर खत्म हो रहे हैं, इसी तरह समुद्र में पृथ्वी समाती जा रही है, इसी तरह का जो जंगल है सारी तरह से खत्म कर दिए गए हैं। और जंगल की बात सब करते हैं परंतु बर्बाद करने वालों की कोई बात नहीं करता है। जो कॉर्पोरेट हाउस और दलाल बर्बाद कर रहे हैं उसके विरुद्ध कोई नहीं बोलता है, तो हम ये आवाज़ उठा रहे हैं। आप बताइए क्या लग रहा है आपको? देखिए 6 अगस्त का अपना एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व है जिस दिन मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा परमाणु बम छोड़कर अमेरिका ने पूरे मानवता को हिला दिया था। आज मानवता को नष्ट करने के जितने भी आयाम हैं, चाहे वो पर्यावरण है, चाहे राजनीति है, चाहे हथियारों की होड़ है, चाहे युद्ध है, इन सब के खिलाफ हमारा एक प्रोटेस्ट है जिसके अंदर हम चाहते हैं कि ये जितने भी पूंजी के नाम पर, पूंजी की लूट के नाम पर पूरे देशों को, पूरी मानवता को बर्बाद कर रहे हैं, पर्यावरण नष्ट कर रहे हैं, खदानों के नाम पर जमीन में गड़ा सोना निकाल निकाल के बेच रहे हैं, लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, बस्तियाँ उजाड़ी जा रही है और हिंसा फैलाई जा रही है, आपसी लड़ाइयाँ पढ़ाई जा रही है, जातिवाद, धार्मिक उन्माद फैला, ये सब उन्हीं कॉर्पोरेट के जो लूट है उसको बरकरार रखने का खेल है। और हम इस हर तरह की, चाहे वो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, तो वो महाशक्तियों का पूंजी की लूट का ही सवाल है, इसलिए हम सबको जोड़ के देखते हैं और उसी के खिलाफ ये पूरे विश्व में आज जैसी चेतना है उसी हिसाब से लोग काम करते हैं। हम लोग चेतन लोग हैं, जानते हैं, इसलिए हम ये प्रोटेस्ट करते हैं।